देखिए क्वेश्चन है कि ए पॉइंट मास एम इज मूव्ड इन ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग. एक मास एम है वो कुछ इस तरह से हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है. और ये कह रहा है कि ना द वेलोसिटी ऑफ द मास एट द लोवेस्ट पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो क्वेश्चन में गिवन है. हमारे पास रूट 7gr दे रखे, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोवेस्ट पॉइंट. हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट पे हमसे क्वेश्चन में टेंशन पूछी गई है. देखो अगर हम बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रिंग का जो मास है वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. टेंशन टी कहाँ लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में. अगर कभी भी कोई भी चीज़ आपको रिवॉल्व करवाना है तो उसको रिवॉल्व करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास एक फोर्स लगता है, वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स. उसी के कारण हमारे पास कोई भी चीज़ रिवॉल्व करती है. तो आपके पास इक्वेशन क्या लगेगी, हमारे पास टी माइनस का एम जी इक्वल टू में एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, ये लगेगी इक्वेशन, ठीक है. तो टी माइनस एम जी एम बी स्क्वायर अपॉन में आर हमारे पास टूवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लग रही है हमारे पास. तो देखो फोर्स हमारे पास कहाँ लग रही है, टूवर्ड्स द सेंटर, तो कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होगा, टी हमारे पास डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है. तो टी माइनस का एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन में आर. तो यहाँ से हमारे पास टी माइनस का एम जी अपॉन में एम अपॉन में आर, और वी की वैल्यू कितनी रखी है, वी स्क्वायर करेंगे तो 7gr हो जाएगा, आर से आर कैंसिल. तो टी माइनस एम जी इक्वल टू में 7mg. तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 7mg प्लस में mg, और टी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8mg. तो हमारे पास टेंशन जो है कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी, 8mg. कुछ इस तरह से ऐसे क्वेश्चन करते हैं. देखो क्वेश्चन है हमारे पास कह रहे कि आपके पास एक ट्रॉली है और उस ट्रॉली का कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन द सिस्टम शोन इन द फिगर. द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.05. तो ये आपके पास एक ट्रॉली दे रखी है, ट्रॉली के बीच जो फ्रिक्शन है ना, जो इसकी ये सरफेस है, सरफेस और ट्रॉली के बीच में जो फ्रिक्शन है वो आपके पास म्यू दे रखा है. हमारे पास कुछ 0.05 दे रखा है क्वेश्चन में, और जी हमें क्वेश्चन में दे रखा है. क्वेश्चन में जी की वैल्यू कह रहा है कि आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने लेनी है. मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेगलिजिबल है, फुली लाइट है, स्मूथ है, ट्रॉली है, ओनली स्लाइड ऑफ द सरफेस. तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है. देखो सबसे पहले तो इस ब्लॉक का जो वेट है वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हमारे पास एक्सेलरेशन टी, सॉरी टेंशन टी कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ. ट्रॉली कुछ इस तरह से है तो मतलब एक्सेलरेशन कुछ यहाँ की तरफ हो रही है. अगर एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ हो रही है तो सबसे पहले इसके ऊपर एक इक्वेशन बनाते हैं अपन, ठीक है. तो इसके ऊपर इक्वेशन कैसे बनेगी, ए नीचे की तरफ लग रहा है तो सबसे पहले फैक्टर डोमिनेंट कौन सा होगा, मैंने कहा था एम जी डोमिनेंट होगा. तो ये बेटा मैं किस कारण कह रही हूँ कि ये हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ है. न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि हमारे पास इक्वेशन जो होती है ना वो हमारे पास एफ इक्वल टू में एम इन टू में ए होता है. तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही होती है उसी डायरेक्शन में वो वाले फैक्टर को डोमिनेट करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर कौन सा डोमिनेट हो रहा है, एम जी. तो मेरे पास कितना आएगा, एम जी माइनस का टी इक्वल टू में एम इन टू में ए. तो एम यहाँ कितना लग रहा है, टू. जी क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 माइनस का टी इक्वल टू में 2a. तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 20 माइनस टी इक्वल टू में 2a. इसको मैंने कोई फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दिया, ठीक है. अब देखो ये जो है मेरे पास, यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन इसकी भी कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है. मतलब अगर कोई चीज यहाँ जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में. तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लग रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ हो रही है, तो इसमें जो टेंशन टी लगेगी वो कहाँ लगेगी, वो कुछ इस तरफ लगेगी, ठीक है. तो अब इसके ऊपर एक इक्वेशन बनाते हैं. इक्वेशन देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सा फैक्टर डोमिनेंट हो रहा है, मैंने कहा था टेंशन टी, सॉरी ए हमारे पास यहाँ लग रहा है. अगर ए यहाँ लग रहा है तो डोमिनेंट अब कौन सा होगा, टी. तो मतलब सबसे पहले आप लिखोगे टी माइनस का एफ के इक्वल टू में एम इंटू में ए, ठीक है. तो सबसे पहले यहां से एफ के निकालते हैं. देखिए यहां से हमारे पास एफ के की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, दैट इज द म्यू इंटू में एम इंटू में जी. तो हमारे पास एफ के इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू दे रखी है 5/100, और ट्रॉली के मास कितना दे रखा है 10, और जी दे रखा है 10. तो मतलब 100 से 100 कैंसिल, एफ के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई. तो यहाँ से आपने पुट करना है टी माइनस का 5 इज इक्वल टू में एम कितना है, ट्रॉली का मास यूज करेंगे ना, यहाँ पे ये वाला मास मत यूज कर देना. हमने इसके ऊपर इक्वेशन बनाई है. तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 10 इंटू में ए, तो इक्वेशन नंबर 2. दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो 20 माइनस का टी इज इक्वल टू में 2a,
और यहाँ पे आएगा हमारे पास 33 प्लस का t और माइनस का 5 इज इक्वल टू में 10 है। मैंने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज इक्वेशन को नहीं लिखी है, कंफ्यूज मत होना। ये प्लस का t, ये माइनस का 5, t से t कैंसिल, कितना आएगा 15 इक्वल टू में 12 है। बस हमें क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना है, देखो 15 इज इक्वल टू में 12 इनटू में a आ गया, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन में 12, तो 1.25 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व।